आज हम पके हुए पपीते का बर्फी बनाने जा रहे हैं। पपीते को धोकर छील लेंगे और बीच के सफेद भाग को भी निकाल देंगे। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। फिर कढ़ाई में घी डालेंगे और कटे पपीते को डालकर भूनेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। हमें ढक ढक कर भूनना है ताकि ये अच्छे से पके। जब पपीता पक जाए तब हम नारियल का बुरादा डालकर भूनेंगे। इसे बर्फी में अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से हम मैश करते रहेंगे। फिर स्वाद अनुसार चीनी डालकर भूनेंगे। फिर अच्छी तरह से मिलाएंगे। जब अच्छी तरह से भून जाए तब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो मिल्क पाउडर को गर्म पानी में घोल करके भी डाल सकते हैं या खोया भी डाल सकते हैं। हम यहाँ मिल्क पाउडर डाल रहे हैं और अच्छे से मिला लें। लास्ट में थोड़ा घी डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। फिर प्लेट में घी से ग्रीस करेंगे और इसे निकाल लेंगे और इस तरह से फैला देंगे। फिर ठंडा होने के बाद बर्फी के शेप में काट लेंगे। लीजिए, हमारा बर्फी तैयार है।